अपने प्रदेश झारखंड में कई किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि मुर्गियों में कई तरह के रोग भी लगते हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। इनमें लगने वाले प्रमुख रोग हैं मैरेक्स रोग, रानीखेत, गैम्बोरो तथा पॉक्स आदि। इन रोगों से ग्रस्त मुर्गियों में बढ़वार थम जाती है, अंडे देने की क्षमता घट जाती है तथा मृत्यु दर बढ़ जाती है। मुर्गी पालन दो तरह से करते हैं, एक ब्रॉयलर मुर्गी पालन जो बिल्कुल अंदर बंद कमरे में वो करते हैं, दूसरा है कि बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं जो खुली विधि से करते हैं और जो बचा खुचा खाने का सामान है उसको देते हैं। तो ये दोनों विधि से मुर्गी पालन जो होता है काफ़ी पॉपुलर है और किसान का एक आय का जरिया और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पोषक तत्व भी हमारे किसानों को मुर्गी से मिलता है। जो किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि वे इन बीमारियों के लक्षण को पहचानें और उनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। मैरेक्स रोग में मुर्गियों में लकवा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग से ग्रसित मुर्गियां लंगड़ाने लगती है और उनके पंख काम नहीं करते। रानीखेत से ग्रसित मुर्गियों की गर्दन लचकने लगती है तथा उन्हें तेज बुखार आता है। इसी तरह से गैम्बोरो होने पर मुर्गियाँ सुस्त हो जाती हैं तथा उन्हें दस्त होने लगता है। जब मुर्गियों में चेचक का प्रकोप होता है तो उनकी चोंच, आंख और गर्दन के पास दाने निकल आते हैं, उनमें तेज बुखार हो जाता है और वे सुस्त हो जाती हैं। बीमारियों का बचाव बहुत ही जरूरी है। बचाव की जब बात करेंगे तो टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, साथ ही साथ रख रखाव भी उचित ढंग से आप करके मुर्गियों के बीमारी से बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो किसान भाई हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो ब्रॉयलर मुर्गी भी पालते हैं, देसी मुर्गी भी पालते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है देसी मुर्गियों से ब्रॉयलर मुर्गियों में भी जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप दोनों तरह की मुर्गियां पाल रहे हैं तो उनको कॉन्टैक्ट में ना आने दें। जो देसी मुर्गियाँ हैं, ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं, उसको कॉन्टैक्ट में ना आने दें, नहीं तो बीमारी जो है, बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो देसी मुर्गियों में तो होती है लेकिन उसका असर उस पर नहीं होता है, लेकिन ये जो हाइब्रिड या ब्रॉयलर जो मुर्गियाँ होता है उस पर असर करता है। तो इन सब मुर्गियों को बिल्कुल अलग रखें। दूसरी चीज़ है कि बीमारियों से बचाव की जो हम बात करते हैं तो उसमें टीकाकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो टीकाकरण जो हम मुर्गियों में करेंगे तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने जो बीमारियों की जिनकी बात की, जो विषाणुजनित बीमारियां हैं, तो उसका शेड्यूल भी बना हुआ है कि कब किस मुर्गियों में हम कौन सा टीका देंगे कि जो है कि ये बीमारी से हम उसका बचाव कर सकें और उसकी मात्रा, सही मात्रा और सही ढंग से सही उम्र पर हमें उसको देना है। किसान भाइयों, मुर्गी पालते वक्त उनके आवास, बिछावन की साफ सफाई, स्वच्छ पानी तथा संतुलित आहार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अभाव में भी मुर्गियां बीमारियों की शिकार होती हैं।